गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? क्योंकि हमारे हाउस आने वाला है एक न्यू मेंबर, जिसकी खुशी सबको बहुत ज़्यादा ही है। सब उछल कूद कर रहे हैं पूरे घर में, और तैयारी ऐसे चल रही है जैसे कि कोई बारात की तैयारी चलने वाली है। सब इतने रेडी हो रहे हैं। देखो यहाँ सब बाबू की मासी को देखो, बाबू के नाना को देखो, बाबू की नानी बाबू से वेट कर रहा है सबके सब, भगवान के रूम में, जो कि थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है। पर ये देखो बाबू अब रेडी होने वाला है, क्योंकि आज बहुत स्पेशल भी होने वाला है। एक चीज कि लियान को बोला गया था कि उसको एक कार चाहिए थी, तो लियान को बोला गया था कि वो कार है ना, बेबी आएगा ना जो चाइना से लेके आएगा, तो इतने टाइम से वेट कर रहा था। और आज उसको पता है कि बेबी चाइना से आने वाला है। इसको चाहिए थी आज से 4 मंथ, शायद 4 मंथ पहले कार। तो हमने इसको बोला था बेबी है ना चाइना से आएगा ना, तो वो लेते हुए आएगा। तो उसने इतना वेट किया, रोज़ बोलते थे कि मेरी कार कहाँ तक पहुँची है ना। और आज बेबी आने वाला है, तो आज इसको वो भी कार भी मिलेगी और बेबी भी मिलेगा। वेरी एक्साइटेड। कहाँ जा रहे हो? इतनी कैसे हंसी आ रही है आपको? इसको आपको फूल ही नहीं समा रहे। हम गार्डन जा रहे हैं। ओके, हम गार्डन जा रहे हैं। बेबी चाइना से गार्डन में आने वाला है। आप भी बता दो गार्डन। आप जा रहे हैं? हम तो गार्डन जा रहे हैं। लियानो ने बताया ना, ये भी गार्डन जा रहे हैं। और तू कहाँ जा रही है? मैं बाबू लेने जा रही हूँ। हम लोग सब जाते हैं गाड़ी पूरी फुल फील होके, वैसे ही हम लोग अभी भी जा रहे हैं आज। और फिर बेबी को पता होना चाहिए कि गाड़ी ऐसे भर के जाती है। हाँ तो अभी हाँ बोलो। मैंने को डेकोरेशन बताया था ना? अरे हाँ, वो सरप्राइज है, अभी नहीं बताना है वो। तो लियान उनको सरप्राइज प्लान किया, हम अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। तभी सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बाद में जाके वहाँ पे पता चलेगा, वहाँ पे बताएंगे सब। और हमारे लिए भी सरप्राइज है, वो भी हमारे लिए भी सरप्राइज है कि क्या आने वाला है, लड़का है कि लड़की है, क्या है। अब देखते हैं क्या मिलेगा हमें हॉस्पिटल में जाके। किसकी होगी वो पता नहीं। किस बात के लिए? मेरे को लगता है बॉय आएगा। मुझे लगता है बॉय। टेंशन हो रही है मेरे को। कोई बात नहीं, बेबी हमको ना टांग निकाल के चिढ़ाएगा, लो ले लो मजे। गर्ल या बॉय कुछ भी आए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बॉय आएगा। ओके, ध्यान को तो गर्ल ही चाहिए। गर्ल आएगा, गर्ल आएगा। वो कौन सा सॉन्ग था आपका बेबी के लिए बोला सॉन्ग? काजल की सिहाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, ये सब या तेरा इश्क है पिया। लियान की तो आवाज ही नहीं आ रही। लियान रोज गाता बेबी के लिए। डायरेक्ट उनको फटाफट, इतनी जल्दी थी बाबू के नाना को ऑफिस से भाग के आ गए, है ना। आप कहाँ से आए? आप क्या करने आए यहाँ पे?
आप को लेना है, आप क्या करने आए हो यहाँ पे? बाबू भाई साहब पूरी तो पूरी बारात है, देखो बाबू कहाँ से आ रहा है ये तो बता। सो एक्साइटेड, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब दिव्या इसी रूम में चली जाएगी, वापस आएगी तो बेबी को लेके ही आएगी इस रूम से बाहर, हमें जाना ही नहीं दे रहा। बेबी की बुआ भी एक्साइटेड है। लाइव चैट ठीक है, ठीक है। तो दिव्या यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी डॉक्टर का, डॉक्टर अभी आए नहीं तो इनके फ्रेंड बन गए दिव्या दी के, ये भी वेट कर रहे हैं आज। इनका भी बेबी आने वाला है, इसका भी आने वाला है। तो फिर अभी हम लोग सब बाहर भी सब वेट कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए इससे बातें करने। इसने हमें बुलाया था, मेरी कुछ क्लिप्स बना दो लास्ट में जाते जाते, वीडियो बना दो। तो इसकी वीडियो बनाने के लिए हम लोग अंदर आए। ये बेबी की मम्मा सो रही है, हम लोग 14 का वेट कर रहे थे पर 15 आ जाएगी, वेटिंग में चल रहा है। बेबी कह रहा है कि आप कैसे आ सकते हो, नहीं हमारी मर्जी से कैसे। वो तो अपनी मर्जी से ही आएगा। लेके आए मैगी, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा के आए तो भूख लगी है। इन लोगों ने तो कुछ खा लिया और मैं लेके आई हूँ मेरे लिए मैगी, कैंटीन के दाल चावल। इन्होंने कैंटीन के दाल चावल खाए, मैं तो अभी लेके आई हूँ। अभी ये लोग सब मेरे पीछे भागेंगे खाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज वैसे हम लोग कल से यहीं पर घूम रहे हैं हॉस्पिटल में, और आज मासी आए हैं, कल मासी आए नहीं थे, आज आए हैं क्योंकि अभी तक दिव्या दी अंदर ही है और हम लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं। तो वेट करते करते बताओ मासी क्या हुआ? कुछ नहीं, वेट करते करते हम लोग बहुत बोर हो गए तो हम लोगों ने सोचा नीचे चल के चलो हम लोग घूम के आते हैं थोड़ा। वैसे हम लोग बहुत बार घूम चुके हैं, इधर से उधर 3-4 बार हम लोग आ लिए, पूरा हॉस्पिटल ही देख। मासी चलो मैं आपको हॉस्पिटल घुमाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं पहले तो मुझे कुछ काम होता था तो मैं चली जाती थी, तो अब मैं जान चुकी हूँ हॉस्पिटल पूरा। और फिर हम लोग चाय पीने बैठे तब तक ऊपर से कॉल आया, कहाँ गए तुम लोग, बाहर आवाज लगा रहे हैं, डिबिया डिबिया। एक्चुअली हुआ क्या था, हम लोग यहाँ पे पहले चाय पीने के लिए निकल गए थे बाहर और हमें पता ही नहीं था, तो वहाँ से कोई आवाज़ लग रहा था कि दिव्या के साथ कौन है। हम लोग तो नीचे थे तो फिर उन लोगों को अंदर ही डांट पड़ी कि तुम्हारे कोई बाहर बैठे ही नहीं है। तो उन लोगों ने हमको कॉल किया कि है ना तुम लोग कहाँ गए, मैंने कहा आ रहे हैं हम लोग चाय पी रहे। और हम लोग आए तब तक इसकी मम्मी आराम कर रही थी, और मेरी मम्मा को देखो सामने आराम कर रही थी तो भी आवाज़ नहीं सुनाई दी, और इनके पापा भी बैठे थे यहाँ चेयर पे। नहीं मम्मी तो साथ में ही थी, पापा बैठे थे बट पापा ने सुना ही नहीं, पापा को आवाज़ ही नहीं आई। फिर हम लोग अब इसलिए अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, चाहे हमें चाय पीनी हो पानी पीना हो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे अब। बेबी आने के बाद ही हम लोग यहाँ से खिसकेंगे। हाँ तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बेबी कब आए, बट वो भी है ये बहुत शैतान है, आते ही वो वेट करवा रहा है हम लोगों को। वो भी मज़े से आ रहा है आराम से धीरे धीरे। तो मैं अब कहाँ सो सकती हूँ, आप गैस कर सकते हो कि रात को बैग देख के चेयर देख के पता लगा सकते हो रात को 1 बजे मैं सो रही हूँ। जिस एक्साइटमेंट के साथ हम आए थे उसी एक्साइटमेंट के साथ इस रूम के बाहर सो रहे हैं, साथ में जीजा वहाँ दूर दादी और नानी वहाँ सो रहे हैं, और यहाँ पे तक सन्नाटा छाया हुआ है के बाहर। मैं जा रही हूँ और अंदर है टीपू और हम वेट कर रहे हैं, बेबी आए और जीजा कर रही है दीपू को मोटिवेट, अंदर फुल मोटिवेट। तो हम लोग बेबी का वेट करते करते मॉर्निंग हो गई है हमारे, हम सब के सब यहाँ पर, और दीपू अंदर जंग लग रही है और थोड़ी देर में बेबी आने वाला है, फिर हमारा एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा, ये सारा थकान हट जाएगी और भी ज़्यादा हम एक्साइटेड हो जाएंगे। मम्मी पापा सब लाइन से बैठे हैं, फिर हमें दौरे पड़ेंगे, फिर हमको पता नहीं दौरे पड़ेंगे खुशी के। हेलो गाइस, वेलकम कभी होगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं तो हाउस में थी, मैं तो अभी आई हूँ, रेडी हो गया, आप लोग मुझे देख सकते हो, ये गंदी सी यही है, गंदी सी बॉडी में, गंदी सी। अभी बेबी आने वाला है और हम लोग सब वेट कर रहे हैं, सब अंदर बस जस्ट आके हम अनाउंस करेंगे कि क्या बेबी आया है, अभी क्या बेबी आया, क्या बेबी आया, मतलब गर्ल आया, बॉय आया, जो भी आया है।
किसका करेक्ट निकलता है, मतलब सबने बताया, इसने सबने बोला गर्ल, इसने बोला गर्ल, मैंने बोला बॉय, हम उसको गर्ल बना देंगे। लेट्स सी कौन आता है। और लोरी भी आगे स्कूल से और वो वेट कर रहा है कि मैं हूं वहां पर। वो कैसा लग रहा है बताओ, बेबी आने वाला है तो बेबी आने वाला है, स्कूल से भाग के आ गया है बेबी आने वाले और ये लोग देखो यहाँ पे बैठे हैं और इनको तो मैं लेके आई हूँ, मेरे साथ ये मेरे साथ भाग के आ गए, ये वेट कर रहे कल से, ये भी कल से, ये दोनों तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि बस ही बस कुछ भी नहीं ले लेंगे बस। हाँ ना इन्होंने खाना खाया ना पानी पिया कुछ भी नहीं किया, यहाँ वेट कर रहा है। और चाची तो मेरे साथ ही आए, शाम तक वेट ही नहीं हुआ कि चाचा आए या हम कुछ भी करें, ये साथ में ही आए हैं। तो ये लोग भी यहीं पे नाइट से, इनकी दोनों मासी यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे, राजू नानी यहाँ पे और लानू यहाँ पे। तो बेबी यहाँ से आएगा अभी बाहर, तो हम लोग देखते हैं ठीक है। ये मासी देखो उसको ओटी में डाल के वो बाहर आ गए हैं और एक्साइटमेंट में यहाँ घूम रहे हैं, देखो सब के सब, सब बाबू का वेट कर रहे हैं। अभी सब बिना नहाए हुए आए तो रेडी होके थे, पर बाबू ने बोला गंदे में ही मिलेगा, वो खुद रेडी होके आएगा ना, इसलिए ना कॉन्ग्रेचुलेशन वी सेलिब्रेशन। लड़का हुआ है सच में, लड़का हुआ है, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बाबू के पापा को देखो, बाबू की नानी को देखो। इधर देख के सामने देख के बता दो भाई। हाँ बताइए बताइए, मिल रही है हम सबको। लियानू आज तो माता जी की गोदी से मैं भी नीचे गिर गया। ओहो पापा देखो बाय हुआ है। लव यू बेबी ऐसे। वाह लियानू को तो, लियानू के तो आज पानी फिर गया है इसके। एक्चुअल में हुआ ही है कि इसको गर्ल चाहिए और आ गया बॉय, तो इसकी शक्ल देखने लायक है आज। लियान कोई बात नहीं, ये तो बॉय भी फ्रेंड बन जाएगा आपको। तो ये लोग सब वेट कर रहे हैं बेबी का, उन्होंने बोला है कि बेबी बाहर आ रहा है, तो ये लोग यहाँ पे खड़ा है इसके बाहर, ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है बेबी की ड्रेस लेके। बेबी की दादी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज इनके दो दो हो गया, इन अविरा क्या लगती है आपकी, दोईती, इनकी दोईती का भी बर्थडे है, मतलब कि अविरा का, इनके सिस्टर का, सिस्टर की लड़की का, और आज इनके खुद के बेटे का भी जन्म हो गया, तो फिर बस दो दो खुशी। और मासी अंदर से हंसती हंसती आ रही है बेबी को देखते हुए, शायद वो देखो डांस कर रही है, बेबी को देख के आई है मासी। क्या हुआ क्या हुआ, अरे रुको यार मैं जाऊँ ना, आप तो मुझे जाने दो, लेके आएंगे तेरा आपकी कृपा से। नानी बधाई हो, नानी नानी हाथ जोड़ रहे पहले, नानी बधाई हो, आज हम फोड़ेंगे तो हम सब हाउस पे आ गए, हम थाली बजाने आए हैं और क्रैकर्स फोड़ने आए हैं, बधाई हो सा, बधाई हो।
रुक जा अनुज पहले से लेके भाग रही है। बधाई हो लाइट लगाना। चम्मच बारात रवाना होगी जैसे कोई आलो मासू जी खुद फोड़ रहा है। देखो बेबी के पापा इतना एक्साइटेड है। हाँ हाँ तू फोड़ना। मासू जी रखेंगे रुक जा। हाँ भाई ये हैंग साइड में ना हो फूट जा रहा तो नानू किसको ले आ किसे के ले ले आनो। हाँ लगा रहे अंदर मैं ना और इधर हैं मासी हटाओ इन्हें। भगा दिया हैंगर ने। मैं तो बंद करने भाग गया कि वीडियो बना मैं तो भाग गया। अगर लाने कड़ो ने वीडियो मार तो मैं बाबू को जो बोलना है बोल दो। क्या कहना है बाबू को क्या कहना दोनों का खर्चा दोनों का
अच्छा ऐसी बात, नानी 11,000 बाबू को और बाबू की मम्मा को दे रही है ना। पापा बिशाद, ठीक है मैंने बाबू की तरफ से बोल दिया, थैंक यू सो मच। सबको आशीर्वाद दे दू, ठीक है। चुपचाप छोड़ा जाने, हम आ गए हैं दीपू के हाउस क्रैकर्स छोड़ने के लिए, हमारे वहाँ तो जगह नहीं मिली हमको। और बगदा पिट के आए, देखो मेरे लगी भी है यहाँ पे, लगवाई खुद के, मैंने जलाई के बस ऐसे जलाई कि सबको भगा दिया आपने, है लिया कैंटी घूम के। अभी बुलबुल चलाऊंगा मैं गाइस। ओके आप क्यों चला रहे हो आज, क्या है जो? अरे पिनू मासी को बुला ले बाहर, बुलाओ 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 पिनू मासी को बाहर। ये उछलेगा यार, फिर से उछलेगा यार, ये फड़फड़ करता है। देखो यहाँ तो चौड़ी रोड है, यहाँ पे फड़फड़ फड़फड़ चलेगा। ध्यान अच्छे से जलाना, बैठ मत, चला के भाग जा साइड में, ये यहाँ तक उछलेगा ना यार। साइड में भागना मासी, लेन भाग जो, हट जाओ ध्यान को। अरे बोलो बेबी आया है, छोटू भैया, छोटू भैया बन गया है। मुझको तूने तो है खुशी दे दी, मेरे मालिक करम तुम्हारा है, मेरे मालिक। ओ बेबी गिफ्ट लेके आया है, यानो बेबी गिफ्ट लाया है, ये बोलो छोटा बाबू मेरे लिए लेके आया है चाइना से, चाइना से ही तो आया है बाबू घूम घूम के, गौरव का है, गौरव का, आपको मिल गया फाइनल गिफ्ट, चाइना से बेबी लेके आया, टू हैंड से क्लैपिंग की थी क्या बेबी को, थैंक यू तो बोलना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हैं, डर लगा यहाँ पे, हम लोग फाइनली हम पहुँच चुके हैं वापस से हॉस्पिटल, और लिया अनुज और बलून्स लेके ऐसे बेबी देख के हैप्पी हो जाएगा बहुत। यानू बलून्स बेबी के लिए लेके जा रहे हो तो फिर आपने तो नहीं पकड़े अभी, और आपको तो पिजन दिखते हैं यहाँ पे, इसको हमेशा है ना यहाँ आके पिजन उड़ाने होते हैं ना, पकड़ने होते हैं, पर पकड़ में तो नहीं आते ना आपके, फिर पकड़े नहीं जाते। अनुज को देख कैसे लेके भाग रही है, ओम
प्रतिदधामि मधुरं कृतस्य भेदं सवित्रा प्रसूतं अगुणं आयुष्मान् पुत्रो देवतापि सतम जीव षड् लोके अस्मि ओं भूस्तुय ददामि भूस्तुय ददामि स्वस्तुय ददामि ओं भूर्भुवस्व सर्व स्वसर्वं तुय ददामि ओं सन्ति ओं इदं आज्यं इदं अन्नं इदं आयुरिदं अमृतम् ओम वेदो असी ओम वेदो असी ठीक है। हेलो क्या बोलोगे आप? हेलो गाइस, ये आते ही हेलो कर। अच्छा सब गाइस को हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ। अच्छा ये इसीलिए हैंड रखा है, दिख जाएंगे टूटे हुए। लियान ने लियान वैसे थोड़ी नहीं दिखेगा, आइस क्लोज है उसकी आइस क्लोज है बेबी की। लियान पूरी रात रहा कि मेरे घर कौन ले गया बोला इतने टाइम तो मेरे हैंड में थी, अब कहाँ चली गई। लियान भी इतना शैतान। Thank you.